कैसे आप सभी, आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। एक और बार अपनी नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने आ चुका हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक होम थिएटर है जो कि 4.1 है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक इसी होम थिएटर पर होने वाला है। इसको मैं रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में ए टू जेड ट्यूटोरियल देने वाला हूँ इस वाली वीडियो में, किस तरीके से आप घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं अपना होम थिएटर। तो आज की वीडियो में वो दिखाने वाला हूँ आपको। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को फुल वॉच करें। चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही साउंड से रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पर मिलते रहते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको साउंड से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है या कुछ भी इशू है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये हमारा होम थिएटर है, इसके अंदर जो हमारी फॉल्ट है, जो भी वो इसमें ये फॉल्ट है कि फ्रेंड, जो हमारे सैटेलाइट स्पीकर हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं। बाकी जो हमारा बेस है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या इशू है। तो देख सकते हैं अपने होम थिएटर में लाइट आ चुकी है और देख सकते हैं ब्लूटूथ मोड पर डाल रखा है ये। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको दोबारा से कि ये बंद कर देता हूँ एंड वॉल्यूम फुल कर देता हूँ। और देख सकते हैं सैटेलाइट स्पीकर यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं। मैंने एक लगा रखा है, ये दूसरा भी मैं इस जगह लगा देता हूँ जहाँ पर स्पीकर एस लिखा हुआ है। इस जगह दो सैटेलाइट स्पीकर लगा के चेक कर ले रहे हैं हम अभी। और चलिए इसको ऑन करता हूँ मैं। तो देख सकते हैं ऑन हो चुका है, कोई साउंड नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी साउंड नहीं है। और हल्का हल्का जो हमिंग्स आ रही है देख सकते हैं, सुन सकते हैं आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। हल्की बहुत हमिंग आ रही है, जो वो अपने बेस से ही आ रही है, स्पीकर से कोई हमिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम है इसमें। चलिए पीछे से इसका पैनल खोलेंगे सबसे पहले और देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। एंड वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि कोई भी कोई ज़रूरी जानकारी हो वो आपसे मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना हमने कैमरा सेट कर लिया है और चलिए इसको जो बैक पैनल है सबसे पहले इसको ओपन करना है। और फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अपना सामने वाला फ्रंट पैनल ओपन हुआ है क्योंकि इसके अंदर मैंने देखा था कि इसमें वॉल्यूम का भी इशू है, तो वॉल्यूम डालना पड़ेगा। एंड पीछे पैनल में देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है, जो हमारे सैटेलाइट है वो वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसको जल्दी जल्दी से ओपन कर लेंगे हम। यहाँ पर ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो अपनी आई सी है सैटेलाइट की आई सी, वो किस तरीके से फट चुकी है देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके फटने का जो रीज़न होता है फ्रेंड, या तो आपका जो स्पीकर है वो ख़राब हो चुका है और जो आउटपुट और ग्राउंड है वो मिल चुका है, या तो क्या होता है कि फ्रेंड्स, जो लोकल होम थिएटर आते हैं उसकी हीट सिंक देख सकते हैं आप कितनी पतली दी जाती है, तो ये हीट को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। इस चक्कर में ये जो आई सी है वो ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इन दोनों आई सी को यहाँ से निकालना होगा, उसके बाद दूसरी जो नई आई सी है वो इसमें डालनी पड़ेंगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी जो आई सी है वो दोनों चेंज कर लेते हैं हम। एंड अपना मैं कैमरा सेट कर देता हूँ यहाँ पर और आई सी चेंज करता हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर अपनी सबसे पहले जो हमारी ये ऑडियो की प्लेट है, ये 4.1 आई सी में है, जो इसको सबसे पहले यहाँ से हमें ओपन करना होगा बैक पैनल से। तो इसको यहाँ पर सबसे पहले मैं प्लेट को खोल लूँगा, इस तरीके से आसानी से खुल जाएगी फ्रेंड्स। और आप भी अगर काम कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी से करना होगा ताकि कोई हमारी वायरिंग यहाँ पर ना जाए लूज। तो इस तरीके से यहाँ पर ओपन कर लेंगे जल्दी से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अपना जो बोर्ड है, ऑडियो बोर्ड है, वो ओपन हो चुका है और इस तरीके से कुछ है ये। अब क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें जो हमारी आईसी लगी हुई है इनको निकालना होगा।
मैं इन आईसी को ऐसे ही निकाल लूँगा। सबसे पहले ये पूरी आईसी चटकी हुई है, टूट गई है, तो इसको मैं यहाँ से पेज खोलकर अपना इसको मैं ओपन कर लूँगा यहाँ से आईसी को। फ्रेंड्स ये दो आईसी ही डाली होगी क्योंकि ये 20-30 आईसी में है। फ्रेंड्स ये जो 4.1 है अपना 20-30 आईसी में है, तो यहाँ पर दो आईसी मैं डाल रहा हूँ जो कि सैटेलाइट स्पीकर के लिए दी गई है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये दो आईसी के जो हमारे पेज थे वो ओपन हो चुके हैं। अब ये फ्रेंड्स आईसी पूरी टूटी हुई है, तो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से निकाल लूँगा, इसको हिला हिला के इसकी लैग तोड़ लूँगा ताकि ये जल्दी आसानी से निकल जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसके लैग को तोड़ लिया है क्योंकि हमारी काम की नहीं है, वेस्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको निकाल लिया है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमें आसानी होगी इसको निकालने में। फ्रेंड्स ये इस तरीके से निकल गई है। अब जो ये हमारे ये इसके जो टांगे लगी हुई हैं इनको यहाँ पर पीछे अच्छी तरीके से डिसोल्ड कर लेंगे। यहाँ इनको मैं डिसोल्ड कर रहा हूँ आयरन की मदद से, और अपना यहाँ हल्का सा हमें पेस्ट लगाना है ताकि ये जो है जल्दी से बाहर आ जाए अपनी। तो इस तरीके से यहाँ पर हल्का हल्का मैं पेस्ट लगा लूँगा। पेस्ट लगा के फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से एक डिसहोल्डिंग वायर आता है, इसकी मदद से हम आईसी को निकालेंगे और अपना आयरन लेंगे हम। फ्रेंड्स ये अगर ये काम है वो ध्यान से करना है क्योंकि इसमें क्या होता है ज़्यादातर अगर आप जल्दीबाजी करते हैं और ज़्यादा तेज कर या ज़्यादा जान लगा के इसमें कर देते हैं तो क्या होता है अपना जो प्रिंटिंग है वो ख़राब हो जाती है, प्रिंटिंग मैच हो जाती है, प्रिंटिंग इसकी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। तो इस काम को फ्रेंड्स बहुत ही सावधानी से करना है हमें। इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी ये जो हमारी सोल्डरिंग है इसको हटा लूँगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स जो हमारे ये जो पिन लगी हुई थी आईसी की, तो ये अच्छी तरीके से यहाँ से मैंने हटा ली है और जो हमारी आईसी के लिए जगह है बोर्ड में वो बन चुकी है। अब यहाँ पर हमें नई आईसी लगानी है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें आईसी के लिए अच्छे से जगह बना लेनी है और वो भी ध्यान से बनानी है ताकि हमारी जो प्रिंटिंग है वो हटे ना फ्रेंड्स। ज़्यादातर क्या होता है कुछ भाई लोग इसमें ज़्यादा जान लगाते हैं या आयरन को बोर्ड पर ज़्यादा देर तक रखते हैं, तो उस वजह से क्या होता है प्रिंटिंग अपनी हट जाती है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से सफाई से करना है काम को। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स हल्का सा गर्म है, ये सावधानी से करना है। तो यहाँ पर अच्छे से साफ हो चुका है ये बोर्ड अपना, मैं आपको कैमरे में दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स अच्छे से साफ हो चुका है। अब इसमें नई आईसी डाल देनी है। ये अब अपने पास दो नई आईसी हैं जो कि ओरिजिनल आईसी है। अगर आप ओरिजिनल आईसी का पता करना चाहते हैं यहाँ पर इस तरीके से ट्राइंगल बना होता है, तो इस ये वाली आईसी आप यूज़ करें, ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। और एक आईसी अगर आप आईसी लगाने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स उस पर हीट कंपाउंड ज़रूर लगाइए। हीट कंपाउंड से जो अपनी हीट होती है वो अच्छे से और जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं अपनी लैग को भी हटा लेंगे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लैग लगी हुई थी।
तो देख सकते हैं पूरी जो आईसी थी अपनी जल चुकी थी, फट चुकी थी। तो इस चक्कर में अपना जो बोर्ड देख सकते हैं किस तरीके से डैमेज हो चुका है ये। तो इसको हम अच्छे से हटा लेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर जगह बना लेंगे इस तरीके से। देख सकते हैं फ्रेंड्स अपनी जो जगह आ गया। और फ्रेंड्स ये जो काम मैंने सोचा नहीं था वही हो गया। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है नोकल बोर्ड में जल्दी बहुत जल्दी ये जो देख सकते हैं आप प्रिंट हट जाता है, तो इस चीज़ को आप सावधानी से करें। मेरे साथ कई बार हो चुका है ये, इस चक्कर में आपको बता रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पर क्या हीट कंपाउंड यूज़ कर रहा हूँ मैं, आईसी में हीट कंपाउंड लगाना है फ्रेंड्स आपको इस तरीके से। हीट कंपाउंड में इस पर थोड़ा थोड़ा लगा देता हूँ, ज़्यादा भी नहीं लगाना है पर ठीक लगाना, नॉर्मल लगा देना है ताकि अपनी आईसी सेफ रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर हीट कंपाउंड लगा के माइसी को लगा दूंगा। तो इस तरीके से आईसी अपनी लग चुकी है। और यहाँ पर आईसी को सोल्ड करने से पहले यहाँ पर अपना नट लगाना है ताकि अपनी आईसी अच्छे से सेट हो जाए पहले। अदरवाइज आप पहले सोल्ड करेंगे तो फ्रेंड्स ये फिर पेच पर लगेगी नहीं, हीट सिंक पर टाइट नहीं हो पाएगी, इसकी सेटिंग ख़राब हो जाएगी। इससे बढ़िया आप इसको सबसे पहले यहाँ पर कस लीजिए तो आराम से, और उसके बाद आराम से यहाँ पर सोल्ड कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर आराम से सोल्ड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों आईसी मैंने अच्छे से लगा ली है अपनी, और देख सकते हैं सफाई से काम करना है बहुत फ्रेंड्स। और यहाँ पर अपना आईसी को आप सोल्ड करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे प्रिंट आउट हो चुके हैं इसको अच्छे से यहाँ पर लगाना है। तो इस तरीके से अपना लग चुका है, हल्का हल्का सा पेस्ट लगा कर इसको अच्छे से अब यहाँ पर मैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको सोल्ड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स चलिए आईसी को अच्छे से सोल्ड कर देंगे अब यहाँ पर। सोल्ड हो चुकी है, देख सकते हैं अच्छे से एकदम सोल्ड कर दिया मैंने, दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देख सकते हैं अच्छे से सोल्ड हो गई है। और इसको अच्छे से पहले फिर ब्रश की सहायता से इसको अच्छे से साफ़ कर लें ताकि कोई भी सोल्डिंग है वो आपकी बोर्ड पे ना आ जाए। और देख सकते हैं यहाँ पर आईसी लग चुकी है, और मैं इसको ऑन करके देख लेता हूँ कि जो हमारा आईसी का फॉल्ट था वो ठीक हो चुका है या नहीं हो चुका है। चलिए इसको मैं ऑन करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी आईसी मैंने चेंज कर दी है, और चलिए अब इसमें मैं पावर ऑन करके देखता हूँ इसकी कि जो हमारी आईसी का फॉल्ट था वो ठीक हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया और देख सकते हैं ब्लूटूथ की आवाज़ आई होगी आपको, ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। तो चलिए इसमें छोटा सा एक सॉन्ग प्ले करके देखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि क्या इसके अंदर और फॉल्ट रह चुका है या हमारा जो पूरा फॉल्ट है वो ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए एक सॉन्ग प्ले करता हूँ मैं छोटा सा एनसीएस, और चेक करते हैं अपनी वॉइस को कि जो हमारा पहला फॉल्ट था वो ख़त्म हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर मैं एनसीएस सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ अपने फ़ोन में। चलिए
तो यहाँ पर मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया है, हल्की सी मैं वॉइस बढ़ाता हूँ, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स वॉइस आ चुकी है सैटेलाइट में। अब मैं थोड़ा सा बेस ऑन कर देता हूँ यहाँ पर, देख सकते हैं फ्रेंड्स अपनी जो वॉइस है वो आ चुकी है। और ये एक चैनल की वॉइस है, दूसरे चैनल की दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चैनल में वॉइस आ चुकी है और दूसरे की चेक कराता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स हमारी अभी एक चैनल में वॉइस नहीं आ रही है और एक में अभी आ रही है, तो ये तो फॉल्ट ठीक हो चुका है एक चैनल का। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स तीन जो हमारे कनेक्टर हैं वो नहीं चल रहे हैं उसमें लगाने पे, बट जो हमने इस वाले कनेक्टर में अपनी पूरी वॉइस आ रही है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से चालू हो चुका है, बाकी देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सॉन्ग को बंद करता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अपना जो कैमरा सेट कर लिया है मैंने, अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा एक चैनल वर्क कर रहा है और एक नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैंने अपना एक स्पीकर लिया है, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है तो एक स्पीकर इस तरीके से ले लेना है। एक स्पीकर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, हमारी ये प्रॉपर वर्क कर रही है तो उसको किस तरीके से देखना है, ये हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। यहाँ पर आउटपुट होता है आईसी की पिन नंबर चार पर यहाँ पर आईसी का आउटपुट होता है, तो यहाँ पर वायर लगाकर इसके इनपुट को टच करना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, अगर इनपुट टच करेंगे तो अपनी हमिंग आएगी स्पीकर में, सैटेलाइट में। सैटेलाइट मैंने यहाँ पर लगा रखा है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं यहाँ पर सैटेलाइट लगा हुआ है, बाकी इसमें हमिंग है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना स्पीकर लगाता हूँ तो इसमें भी हमिंग आ रही है। अगर स्पीकर नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, आप ये जो चैनल है यहाँ से पीछे अपना चेंज कर दीजिए। यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, दूसरे में लगा देता हूँ और फिर देखते हैं। रुकिए फ्रेंड्स मैं इसको जो दूसरे चैनल में लगा देता हूँ, जिसे यहाँ पर मैंने इसका चैनल चेंज कर दिया है अपना जो हमारा सैटेलाइट था। अब यहाँ पर मैं फिंगर लगाऊंगा तो हल्की हल्की हमिंग आ रही है फ्रेंड्स पीछे से। बाकी अगर यहाँ पर मैं इसे इस वाले स्पीकर को जॉइन करके अपने वाले को लगाऊं तो पूरी हमिंग आ रही है, सुन सकते हैं आप। यहाँ पर मैं वॉइस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ एम्पलीफायर की, ताकि आप सुन पाए अच्छे से। ये देख सकते हैं हमिंग आ रही है, बट फ्रेंड्स यहाँ पर सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा है। इसका एक रीज़न है कि हमारा जो वॉल्यूम है, फ्रंट वॉल्यूम है, वो फ्रेंड्स अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अपने बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड को अच्छे से फिक्स कर देते हैं, देन जो फ्रंट पैनल है उसमें अपने वॉल्यूम को चेंज कर देंगे। तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पर लगा लेता हूँ और अपना जो सामने वाला अपना वॉल्यूम है उसको लगाना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ मैं अपने होम थिएटर को और इसको जल्दी से यहाँ पर बोर्ड को लगा लेता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप आईसी चेंज कर देते हैं और फिर भी आपका सैटेलाइट वर्क नहीं करता है, तो उसके बाद आप वॉल्यूम को देख सकते हैं, अगर आपका वॉल्यूम ख़राब हो तो उसे चेंज कर दीजिए तो आपका जो वॉइस है वो आ जाएगी। और यहाँ पर हमारा 100% मुझे पता है कि अपना वॉल्यूम ही बेकार है, क्योंकि मैं वॉल्यूम को फुल कर रहा था जब, तो उसमें भी अपनी साउंड जो है वो पूरी बैठ जा रही थी, यानी कि अपनी वॉल्यूम की साउंड जो है वो बैठ जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए इसका जो फ्रंट पैनल है इसको मैं अच्छे से यहाँ पर खोल लिया है, मैंने पहले ही खोल लिया था इसको,
ये फ्रेंड्स खुला हुआ ही आया था एक्चुअली, तो इसको खोल लेते हैं अच्छे से। तो इस तरीके से ये ओपन हो गया है और देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से रख लूँगा। और अपना जो होम थिएटर है इसको यहाँ पे पैनल को फ्रेंड्स ओपन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। देन इसका जो वॉल्यूम है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा, और वॉल्यूम जो इसमें लगाना है फ्रेंड्स आपको मैं दिखा देता हूँ होम थिएटर में किस तरीके का वॉल्यूम लगता है, इस तरीके का वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप सिंपल वॉल्यूम लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, मैं फ्रेंड्स ये वाला लगा रहा हूँ। तो इसको अच्छे से डिसोल्ड करना पड़ेगा वॉल्यूम को, देन यहाँ पर इसकी वायरिंग करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स चलिए ये काम मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, देन आपको इसका साउंड टेस्ट देता हूँ मैं, इसकी जो साउंड है उस वो कितनी इम्प्रूव हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपना जो वॉल्यूम है मैंने चेंज कर दिया है, दूसरा लगा दिया, और जो हमारे साउंड है वो दोनों सैटेलाइट, ये हमारे सारे सैटेलाइट देख सकते हैं सारे ऑन हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो हमारी जो फॉल्ट था वो वॉल्यूम का फॉल्ट था और आईसी का फॉल्ट था, वो दोनों रिपेयर करने के बाद हमारा जो सिस्टम है वो एकदम ओके हो गया है। तो चलिए इसको मैं जल्दी से यह पैनल जो है अच्छे से टाइट करके देन आपको इसका साउंड टेस्ट देता हूँ, एकदम ओके हो चुका है अपना सिस्टम। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर अपना जो होम थिएटर है वो रिपेयर हो चुका है, पूरा ऑन हो चुका है देख सकते हैं। और चलिए यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पर वॉल्यूम डाला है मैंने और ये दो आईसी अपनी चेंज की है और अपना जो अपना सिस्टम है वो एकदम ओके हो गया है। चलिए एक एनसीएस सॉन्ग प्ले करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ऑन है, ये भी यहाँ पर इसकी लीड हटा रखी है, तो चलिए इसको भी लगा देता हूँ मैं।